आप सभी का मनोज आईएएस ऑफिसरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का मनोज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्लॉक। मैं पूरी रीजनिंग की गारंटी लेता हूं, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ये तो क्लॉक की बात आज करेंगे हम, पूरी रीजनिंग की बात करता हूं। केवल आपको क्या करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, जो मैं कहता हूं उसके साथ प्रैक्टिस करो। चाहे आप कोई सी बुक्स क्यों नहीं लगाओ, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना दोस्तों, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें कराना होता है। बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाते हैं और एडवांस लेवल की सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चढ़ते हुए चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लॉक की। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है, क्लॉक में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। क्लॉक्स में दोस्तों चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से दोस्तों? फर्स्ट बनता है आपसे मिरर का, सेकंड टाइम, फिर एंगल और फिर एरर। क्यों, कितने टाइप्स के हमारे टोटल टाइप्स हो गए? फोर टाइप्स के। आज बात करेंगे हम दोस्तों किसकी? मिरर की। आज बात हम किसकी करेंगे दोस्तों? मिरर की। तो ध्यान देना, मिरर की हम बात करेंगे तो मिरर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं? मिरर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं? मिरर टू टाइप्स का होता है दोस्तों, ध्यान देना। क्या होता है? एक तो नॉर्मली मिरर होता है दोस्तों, फर्स्ट, ये नॉर्मली मिरर होता है, और एक होता है दोस्तों सेकंड, कौन सा होता है? वो होता है वाटर मिरर। कौन सा होता है दोस्तों? वाटर मिरर। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? मिरर एंड वाटर मिरर में डिफरेंस क्या होता है भाई? दोनों में दर्पण और जल दर्पण में अंतर तो होगा। देखो अंतर क्या होता है, जो मिरर होता है वो राइट का क्या होता है? लेफ्ट चेंज होता है, लेफ्ट का राइट चेंज होता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाया। क्लियर हुआ ये चीज? ध्यान देना दोस्तों, मैं मिरर की बात करता हूं। किसकी? मिरर की। मैंने क्या बोला? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, दाएं का बाएं और बाएं का दाया। तो भाई इसमें मैं सपोज, ये घड़ी है मेरे भाई, अब दाएं का बाएं और दाएं का बाया करना है तो मुझे बेस चाहिए, और बेस मैंने क्या मान लिया दोस्तों? यही होगा, बेस का होगा मेरा, ये वाला होगा। जब भाई मेरे पास बेस ये होगा तो ये जो 11 है वो किस पर इंटरचेंज होगा दोस्तों? जो ये 11 है वो किस पर होगा? एक पर होगा कि नहीं होगा? 10 किस पर होगा? दो पर होगा या नहीं होगा? 9 किस पर होगा? 3 पर होगा नहीं होगा? 8 किस पर होगा? 4 पर होगा? 7 5 पर और 5 7 पर, और ये 12 और 6 क्या रहेंगे दोस्तों? डिक्टो रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ये हमने चीज आपके लिए देखी और ये चीज हमने सीखी कि भाई राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, कि भाई 12 का दो, ये 21 का 11 का एक पर, 10 का दो पर, 9 3 8 4 7 5 और 5 7। क्या मैं एग्जाम्स में ऐसे कर पाऊंगा? टाइम बहुत ज्यादा टेकन हो जाएगा। एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू लेता हूं कि जो ये सभी के सभी सेटिस्फाई करे वैल्यू। दोस्तों मैं 12 मान लिया मैंने, क्या बोले? 12 बज रहे हैं आपकी घड़ी में। कितने बज रहे हैं दोस्तों? 12 बज रहे हैं, ये 12 घंटे 0 मिनट। मैं कहता हूं भाई 12 में से घटाओ, कितना मिलेगा? 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपका क्या हो रहा था मेरे भाई? आपने एक घटाया, कितना मिल रहा है भाई? आपके लिए भी दर्पण तो यही मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? मिल रहा है, नहीं मिल रहा दर्पण? मैं कहता हूं 12 में से 2 घटाओ, कितना मिल रहा है आपका दर्पण? 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो भाई 10 का आपके पास 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताइए? इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुई जो कि क्या कर रही है, जो मुझे यहां से काम, जो मतलब जो मुझे यहां से मिरर मिल रहा था वो मुझे डिक्टो किससे मिल रहा है? 12 से मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? 12 मतलब एक 12 बजना एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुई कि नहीं हुई भाई? एक स्टैंडर्ड टाइम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कर सकता हूं, जो मैं वैसे देख रहा हूं उसको मैं क्या कर सकता हूं? 12 से मैं घटा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा क्या टाइम हो रहा है। अब देखो, ध्यान देना, आपकी घड़ी में 12 बजते हैं और एक रेलवे की घड़ी होती है। कौन सी घड़ी होती है दोस्तों? एक रेलवे की घड़ी होती है। तो रेलवे की घड़ी में कितने का टाइम बनती है? हमारी घड़ी और रेलवे की घड़ी का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो कितने घंटे का होता है दोस्तों? वो 12 घंटे का अंतर होता है। जब सपोज दैट मेरी घड़ी में 2 बज रहे होते हैं ना, तो रेलवे की घड़ी में 14 बज रहे होते हैं। कितने बज रहे होते हैं? 14 बज रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी घड़ी और रेलवे की घड़ी, हम जो घड़ी मानते हैं वो 12 घंटे पर, और जो ये जो घड़ी मानती है रेलवे, वो कितने घंटे पर मानती है दोस्तों? 24 घंटे पर। कौन से घंटे पर? 24 घंटे पर। ये बात क्लियर हुई भाई? मैं कहता हूं एक घंटे में कितनी मिनट होती है भाइयों? एक घंटे में, 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं? आप कहोगे सर 60 मिनट्स होते हैं। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती हैं। तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 11 घंटे 60 मिनट लिख सकता हूं? बोले भाई, आपकी अथॉरिटी तो बोलिए,
क्योंकि भाई एक घंटे में 60 मिनट ही होती है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो जब एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 11 घंटा 60 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, और इसको क्या लिख सकता हूं, 23 घंटा 60 मिनट कोई दिक्कत है? या बताइए कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान देना, ये बात क्लियर हुई? केवल ये मैंने आपको क्या बताया भाई, यहां से मैंने कंफर्म कर दिया, आपको बेसिक बताया प्लस आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई, यही मैंने दोनों काम किए ना, कि भाई मैंने यहां से वही चीज बताया। अब ध्यान देना आप, अब आपसे क्वेश्चन मिरर का पूछेगा, केवल बात मिरर की कर रहा हूं, वाटर मिरर की बाद में बात करूंगा। या तो आप ऐसा करना कि इस बेसिक से देख लेना, क्या करना, या तो आप इस बेसिक से देख लेना, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ध्यान देना, डायरेक्ट कर सकते हो ये इस टाइम 11:60 या 23:60 जब आपसे 12 बज रहे हो, 12 से पहले का टाइम हो तो आप 11:60 में से घटा हुए, और 12 से ज्यादा हो तो 23:60। इसमें से क्या करोगे, रियल टाइम सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप 11:60, और इसमें से रियल टाइम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो मिलेगा, जो आंसर फाइंड होगा वो क्या होगा, मिरर टाइम फाइंड होगा। क्या होगा? मिरर टाइम आपसे पास बचेगा। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन के लेवल लेंगे, वो आप देखते रहोगे, आप आपको भी पता चल जाएगा। रियल टाइम घटा दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये रियल टाइम घटा दोगे तो आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिरर टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? एमटी का मतलब मिरर टाइम मिलेगा। ये बात क्लियर हुई? तो ध्यान देना आगे, ये क्लियर हुआ आपसे सभी का? ध्यान देना, कुछ नहीं करना है आपको, किसमें से घटा देना है, ये 12 था, मैंने इसको 11:60 लिखा, बस इसमें से आपको क्या करना है, रियल टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये क्या मिल जाएगा आपको, मिरर टाइम मिल जाएगा, एमटी मिरर टाइम। या फिर आपको 23:60 में से घटाना है, या फिर आपको 23:60 में से घटाना है क्या, रियल टाइम घटाना है जो वास्तविक समय दे रखा होगा, आपको क्या मिल जाएगा, मिरर टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? मिरर टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एमटी का मतलब मिरर टाइम। ये बात क्लियर हुई? तो मैं बेसिक से भी बताऊंगा क्वेश्चन, और किससे बताऊंगा दोस्तों आपको, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊंगा। तो ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 8:30। भाई यार आपका टाइम 8:30 है तो मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा? मैंने क्या बताया, मैंने आपके पास एग्जाम अप्रोच डायरेक्ट बताया कि आप कितने में से घटा सकते हो मेरे भाई, 11:60 में से। क्यों 11:60 में से क्यों घटा सकते हो? क्योंकि टाइम 12 से कम है, यदि टाइम 12 से कम है तो 11:60, और 12 से ज्यादा है तो 23:60, यही था कि नहीं? तो भाई इसमें कितना घटा हुआ, 8:30 घटाया तो आंसर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, 3:30। क्या आंसर हो गया? 3:30। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो एग्जाम से अप्रोच हुआ कि यदि टाइम 12 से कम है तो कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से, और टाइम 12 से ज्यादा है तो किस में से घटाएंगे, 23:60 में से घटाएंगे। तो 11:60 में से आपने 8:30 को घटाया तो मिरर टाइम आपके पास क्या मिल गया, 3:30। ये क्या है दोस्तों, मिरर टाइम है ये, एमटी मतलब मिरर टाइम है ये। यदि बेसिक से इसको करना चाहते हो तो बेसिक से कैसे करोगे, यदि टाइम आपके पास घड़ी में 30 मिनट तक है, 8:30 पर है, तो उसका मतलब घड़ी 9 पर आ जाएगी, और 30 मिनट से पहले जो कुछ भी टाइम है वो जैसे 8:25 हो रहा है, तो जो हम घड़ी की सुई मानेंगे वो किस पर मानेंगे, हम घंटे वाली सुई 8 पर मानेंगे। 8:30 पर हुआ तो किस पर मानेंगे, हम 9 पर मानेंगे। 8:45 हुआ तो किस पर, हम घंटे की सुई मानेंगे, 9 पर मानेंगे। तो भाई 8:30 है तो घंटे की सुई किस पर मानोगे आप, ये एग्जाम टाइम किस पर मानोगे आप, 9 पर मानोगे। 9 का मिरर मैंने क्या बताया था आपके लिए भाई, 9 का मिरर मैंने क्या बताया आपके लिए बताइए भाई, 9 का मिनट क्या बताया, 3 बताया। 30 मिनट का मतलब मिनट पे कोई फर्क नहीं है, मिनट तो 30 पर ही हो रहेगी, और 30 का मिनट 30 पर ही, 6 का मिनट 6 पे बनता है, तो 30 मिनट हुआ तो क्या हो गया, 3:30 हो गया। क्या हुआ, 3:30। तो आंसर बेसिक से भी मैंने बताया, ये किससे था मेरे भाई, बेसिक से था, ये किसका था, बेसिक था, ये बेसिक था, और ये क्या एग्जाम टाइम है, ये क्या एग्जाम्स टाइम है। तो 11:60 में से आपको घटाना है, कभी भी आप एग्जाम्स में आए तो 11:60 में से डायरेक्ट उठा सकते हो, और बेसिक देखना है तो मैंने क्या बोला, 30 तक आ गई है तो वो आगे मानेंगे, 8:25 है तो घंटे की सुई 8 पर, 8:30 है तो 9 पर, 8:45 है तो फिर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान देना,
वही है कि वास्तविक समय 10:50 है, तो क्या होगा दर्पण में समय, तो ध्यान देना मेरे भाइयों, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, टाइम आपके पास क्या भाई 12 से ज्यादा या कम है बताइए, तो आप कहोगे सर 12 से कम है, टाइम 12 से कम है तो किसमें से घटाओगे आप, 11:60 में से घटाओ, किसमें से घटाओगे 11:60 में से घटाओगे, कितना टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे भाई 10:50, कितना 10:50, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या आ जाएगा 1:10, 1:10 क्या आ गया मिनट टाइम, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कौन सा हो गया तो 1:10, ये बात क्लियर हुई, बेसिक से करना है तो भाई 10:50 तो घंटे की सुई 11 पर होगी, 11 का मिनट 1 होता है, 50 मिनट का मतलब 10 पर होगी, और 10 का क्या होता है मेरे भाई 2 होता है, 2 का मिनट मतलब 10 होगा, तो 1:10 बेसिक से भी कर सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ठीक है, 12 से कम है तो 11:60, 12 से ज्यादा है तो 23:60, एक चीज ध्यान देना आप, मैं यहीं पर आपसे कहता कि इस 10:50 की जगह 10:50 की जगह 14:20 होता, 14:20 होता तो मिरर में क्या टाइम होता, 14:20 होता, तो आप क्या करते मेरे भाइयों, आप क्या करते, क्या 11:60 में से घटाते या 23:60 में से घटाते, आप कहोगे कि सर टाइम ये 12 से ज्यादा है, टाइम क्या है 12 से ज्यादा है, तो टाइम 12 से ज्यादा है तो कितने में से घटाओगे आप 23:60 में से घटाओगे, किसमें से घटाओगे आप 23:60 में से घटाओगे, किसमें से घटाओगे 23:60 में से घटाओगे, कितना टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे भाइयों, कितना टाइम करोगे 14:20, 14:20 सब्ट्रैक्ट टाइम करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा यहां पर भाई 40, और यहां पर क्या मिल जाएगा आपके पास 9 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरे भाइयों 9, 23 में से 14 गया तो क्या हो गया 9:40 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये बात क्लियर हुई, यह टाइम 12 से कम है तो 11:60 और उससे ज्यादा है तो 23:60, क्लियर हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अब भाई क्वेश्चन थोड़ा वैसा आ गया, फ्रैक्शन में आपको दिखाई देने के लिए लगा कि 4:44 ये आपने क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा ऐसा भाई 4:44 है, अब इसको घटाने के लिए आपके सबसे बड़ी बात है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए भाई, है कि नहीं, ध्यान देना, टाइम तो आपको पता चलेगा कि 12 से ज्यादा है 12 से कम है, आप कहोगे सर 12 से कम है तो कितने में सेपरेट करोगे आप, कितने में सेपरेट करोगे 11:60 में से क्या करोगे माइनस करोगे, कितना 4:44 एक तो काम है कि या तो आप 44 × 7 + 3/7 करके फिर 60 में से घटाओ, ये काम है, लेकिन एग्जाम्स में कैसे इसको घटाना है ध्यान देना भाई, मैंने बोला 11 में से 4 गया तो आप कह दोगे सीधे सीधे सर क्या बचेगा 7 बचेगा, ये तो आपने कह दिया, 44 × 3/7 का मतलब होता है मेरे भाइयों कि 44 × 3/7 में है ना, तो 44 से ज्यादा मतलब एक ज्यादा कितना 45, क्यों एक ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि 3/7 भी उसमें पार्ट है, मैं एग्जाम्स डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे घटाना है, मैं बेसिक से भी घटा के दिखा दूंगा आपको इसको कैलकुलेशन करके, और स्टूडेंट्स बेसिक से तो कर भी सकते हैं क्योंकि 44 × 7 + 3 कर दोगे तो भाई 44 से ज्यादा मानो कितना 45, तो 60 में से 45 क्या कितना बचेगा 15 बचेगा, अब ये बचा आपके पास 3/7, ये मेरे पास भाई टोटल पार्ट है कितना 7, आपके पास भैया 7 सेब है, कितने सेब है 7 सेब है, आपके पिताजी गए मार्केट 7 सेब लेके आ गए, अब भैया अलग अलग 11 लोग रह रहे हैं तो इसका एक भाई आया, दो भाई है, बोला मुझे तो 3 सेब दे दो, हमारे घर के 3 सेब रहते हैं भैया, टोटल 7 ही सेब थे, 3 सेब जब उसका एक आदमी लेके चला गया तो जो बाकी बचे वो दूसरे भाई को दे दे, कितने सेब देगा मेरे भाई, जब उसके पिताजी 7 सेब लेके आए 3 सेब दे दिए तो कितने सेब 4 सेब बचे, कितने सेबों में से 7 सेबों में से, तो आंसर क्या हो गया 7:15 सही, 4/7 ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी, दोबारा सुन लेना, ये घटाने का फ्रैक्शन वैल्यू को घटाने का सबसे सरल तरीका है मेरे भाइयों, भाई 44 से थोड़ा सा ज्यादा मानो क्योंकि 3/7 भी पार्ट है, 44 से ज्यादा माना 45, 60 में से 45 गया तो कितना बचा 15, आपके पास 7 सेव थे टोटल, 3 सेव दे दे, कितने सेव बचे 4 से बचे, कितने में से 7 में से, एक तो ये हो गया, लेकिन बेसिक देखना चाहते हो तो बेसिक देखो, इधर ध्यान दो भाई बेसिक की तरफ ध्यान दो, 44 × 3/7 का मतलब ये हुआ 44 × 7, 7 × 28 और 2 30,
भैया प्लस तीन ऊपर वाला प्लस होता है नहीं होता, तीन प्लस तीन बटे सात कितना हुआ ये 311/7 किस में से घटाना है, 60 में से घटाना है, 311/7 घटाना है तो पहले एलसीएम 7 लिया, 7 × 42 420 हुआ, ये कितना बचा 311 बचा के नहीं बचा भैया 720 में से 311 घटाऊंगा तो ये नॉर्मल सी बात है, ध्यान दो देखो 420 में से 311 घटाया आपके पास क्या मिला, ये 9 और ये 0 और ये 1, 109 बचा नहीं बचा बताइए, 109 बचा के नहीं बचा, 109/7 ये हो गया 109/7। अब इसका भाग दो मेरे भाइयों कितनी बार जाएगा, 7 × 7 कितना बचा, 3 बचा, 7 × 5 = 35 कितना हो गया, 7 × 5 = 4 बचा, 15 सही 4/7 ये हो गया कि नहीं हो गया। अभी बहुत से स्टूडेंटों की समझ में नहीं आया होगा तो 7 का भाग यहां देखो 109 में, 7 × 7 ये 3 बचा, 7 × 5 = 35 कितना बचा मेरे भाई, 4 बचा। और फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे लिखी जाती है, यहां से स्टार्ट करते हैं 15 सही 4/7 ऐसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं सर्कल 15 सही 4/7। ये इतना बेसिक काम है लेकिन ये आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है, बेसिक के लिए कुछ नहीं था मेरे भाई, ये थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा बेसिक, 44 × 7 = 28 + 2 = 30 प्लस 3 311/7। अब क्या हुआ 60 − 311 भाई 60 घटाना पड़ेगा, 60 में से घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा मेरे भाई कितना 311/7, 60 में से 311/7 घटाए तो एलसीएम 7 आ गया मेरे भाइयों, 7 × 42 = 420। अब 7 का भाग 7 में दिया, एक बार गया मेरे भाइयों कितना बचा 311 भाई, एक बार गया तो 311 का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो 311 ही आएगा, 420 में से 311 गया तो कितना बचा 107 डिवाइड बाई 7 15 सही 4/7। लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करके फिर भी दिखाया 15 सही 4/7 कैसे आया, 15 लिया या 4/7 इस तरीका से बेसिक था, लेकिन ये क्या था एग्जाम अप्रोच था। तो मैं क्या चाहता हूं इस बेसिक को आप हटाइए बिल्कुल खत्म करिए और क्या आ जाओ डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच पे आओ। कैसे करते हैं डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच, कुछ नहीं है 44 से ज्यादा मानो 45, 15 बचा 60 में से, टोटल सेव है आपके पास 7, 3 सेव दे दिए तो कितने सेव बचे 4, कितने में 7 में से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप खुद बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन बेसिक से बताना है, बेसिक से एग्जाम से, एग्जाम से भैया 6:50 से 1/5 दिखाई दिया कितने में से घटाओगे, 11/60 या 23/60 कहोगे सर 6 बज रहा है इसका मतलब कम है ना 12 से टाइम, किसने में से घटाना है आपको, कितने में से घटाना है 11/60 में से घटाना है, 11/60 में से आपने टाइम घटाया कितना 6:50 सही 1/5 भाई, 11 में से 6 गया कितना बचा 5 बचा, 50 से 1 ज्यादा मानो कितना मानो मेरे भाई 51 मानो, कितना मानो 51, जब 60 में से 51 जाएगा, 60 में से 51 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, ये टोटल आपके पास सेव 5 है, एक सेव ले गया तो कितने सेव बचे 4 सेव बचे, कितने में से 5 में से, तो यही क्या हो गया आपका आंसर 5 × 9 = 4/5 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्या आंसर हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ध्यान देना ये क्या हुआ आपके पास भाई 11 में से 6 गया 5 भैया 50 से 1 ज्यादा कितना हुआ 51 मानो आप, क्या मानो 51, 60 में से 51 गया तो 9, टोटल सेव आपके पास 5 है, जब एक सेव आपका भाई लेके चला गया तो कितने सेव बचे 4 से बचे, कितने में से 5 में से, तो ये क्या हुआ एग्जाम पीरियड टाइम हुआ कि एग्जाम्स में आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने बेसिक ही बताया लेकिन बेसिक से कोई ज्यादा वो नहीं है फायदा हमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्स के अंदर हमें करना है क्वेश्चन को। तो इसी तरीका से हम कंटिन्यू तरीका से करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।